हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एनाड्रॉल, एंड्रोलिक और ऐसे बहुत सारे नामों से बिकने वाला है स्टीरोइड। तो ये तो इसके सारे ब्रांड नेम है, इसका कंपाउंड नेम है ऑक्सीमेथलोन। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीमेथलोन पे, ये है क्या चीज़, क्यों बनाई गई, क्या काम करती है, और साथ ही आपको एक ऐसी टिप दूंगा जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो इसका यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो गाइस, ऑक्सीमेथलोन के जन्म से शुरू करते हैं। इसका जन्म हुआ था 1950 में, आने के 10 साल बाद ही बैन कर दी गई थी, बनाई गई थी एनीमिया के पेशेंट्स के लिए। आरबीसी का अकाउंट जिनमें कम होता है उनको दिया जाता है। कुछ समय के बाद एड्स के कुछ पेशेंट्स के ऊपर भी इसका इस्तेमाल किया गया, मगर वो रिसर्च भी ठीक नहीं हुई, मगर उन लोगों के अंदर मसल मास इंक्रीज़ हुआ था जब वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद भी ये परमानेंटली अप्रूव नहीं की गई, एफडीए ने इसको बंद कर दिया, इसका इस्तेमाल बिल्कुल रोक दिया, अंडरग्राउंड लैब्स ने फिर से बनाया और मार्केट में उतार दिया। इसकी साइंस को देख लेते हैं, तो इसकी साइंस कुछ ऐसी है, ये है डीएसटी डेरिवेटिव। इसमें इस पोजीशन के ऊपर एक चेंज किया गया, इस पर एक हाइड्रोक्सीमेथलोन ग्रुप को ऐड किया गया जिससे बनाई ऑक्सीमेथलोन। तो ये तो हो गई इसकी साइंस। ये ग्रुप इसलिए ऐड किया गया था यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में साइंटिस्ट ये चाहते थे कि इस स्टेरॉइड से आपको कोई भी एस्ट्रोजन वाले साइड इफ़ेक्ट्स, एंड्रोजेनिक साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, इसी वजह से ये ग्रुप का ऑल्ट्रेशन किया गया था। उसके अलावा एक और 17th कार्बन पोजीशन के ऊपर जो ऑल्ट्रेशन किया गया था वो सभी ओरल स्टेरॉइड के अंदर किया गया है। लोगों ने फिर से इसका इस्तेमाल शुरू किया, बॉडी बिल्डर्स ने इसका यूज़ करना शुरू किया, उसके साथ आए उनको बहुत सारे फ़ायदे। तो क्या है वो फ़ायदे? तो सबसे पहला फ़ायदा, आरबीसी का काउंट इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि मज़े आ जाते हैं लोगों को, बॉडी बन जाती है बहुत जल्दी से। साथ में प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा कर देता है और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को ट्रिगर कर लेता है और अपने आप को पूरी तरह से यूटिलाइज करा लेता है इस सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की वजह से। इसीलिए ड्रग जब आप खाते हैं तो ये 100% यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में, क्योंकि ये ड्रग पूरा इस्तेमाल हो रही है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आ जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ और फ़ायदों पे, जैसे कि इसको खाने वालों की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में वही नाइट्रोजन रिटेंशन आ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मसल जो है बहुत जल्दी पैक कर लेती है बॉडी, बहुत बढ़िया सा मसल दिखाई देता है। जब लोग गेन कर रहे होते हैं तो बहुत ही जल्दी कुछ ही हफ्तों के अंदर जो है 8 से 10 किलो गेन आ जाता है, तो उनके मज़े आ जाते हैं। जो लोग गेन नहीं हो पाते हैं वो एनाड्रॉल को बहुत अचार की तरह खाते हैं। गाइस, ये तो थे इससे आने वाले थोड़े से फ़ायदे, अब बात कर लेते हैं इससे आने वाले बहुत सारे नुकसानों के ऊपर। लिस्ट बहुत लंबी है, आराम से बैठ के सुनो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन साइड इफ़ेक्ट्स। इससे एस्ट्रोजन साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मगर ये तो डीएसटी डेरिवेटिव है, एस्ट्रोजन साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी आते हैं और वो भी अनआंसर्ड क्वेश्चन हैं कि ऐसा क्यों होता है। जिन जिन ने खाई है सबको आए हैं और बहुत ही हाई लेवल पे आए हैं। कैसे टैकल करें? अब इसके पीछे एक बड़ा साइंस है। जिनको पता नहीं है एस्ट्रोजन क्या है, कैसे काम करता है, एस्ट्रोजन के ऊपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए ताकि आपको सबसे पहले एस्ट्रोजन क्लियर हो, तब आके आप दोबारा वीडियो यहीं से कंटिन्यू कीजिए तो आपको आगे जो मैं बताने वाला हूँ समझ में आएगा। सो गाइस, एनाड्रॉल के ऊपर AI अरोमाटेज इनहिबिटर्स काम नहीं करते हैं, क्योंकि अरोमाटेज इनहिबिटर्स पे काम नहीं करते हैं। तो जो लोग AI का यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग साइकिल और सोचते हैं कि उन्हें गाइनो या एस्ट्रोजन प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो इस एनाड्रॉल को लेने के बाद वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसी वजह से उनको गाइनो और ये सब हो जाता है। अब इसको कैसे रोका जाए? इस स्टेरॉइड पे AI काम नहीं करती, ठीक है, मगर इसके ऊपर सम्स काम करती है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स काम करते हैं। अगर आप सम्स ले रहे हैं तो जो एस्ट्रोजन है उसको उसके रिसेप्टर से कनेक्ट होने नहीं देगा और आपको एस्ट्रोजन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे। स्टिल उसके बाद इससे एक बंच ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स और भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, तो उनके ऊपर अब बात शुरू करते हैं। इससे आने वाला एक और साइड इफ़ेक्ट है सरदर्द, हेडेक, बहुत ज़्यादा सरदर्द होता है जो लोग इसका यूज़ करते हैं। बॉडी टू बॉडी कई बार वेरी करता है, बहुत से लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके अलावा हाई वाटर रिटेंशन, तो आपको BP की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। उसके अलावा डिक्रीज इन एपेटाइट, जब इस ड्रग को हाई डोज में यूज़ किया जाता है तो आपकी भूख को कम कर देता है,
भूख जब बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जो बाकी अदर स्टीरोइड्स आप यूज़ कर रहे थे उनके बेनिफिट भी ख़त्म हो जाते हैं। एक और इससे बड़ा आने वाला प्रॉब्लम है, और जो इससे आने वाला एक साइड इफेक्ट है, एनलार्ज प्रोस्टेट, आपको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूरिनेट करेंगे आप, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ आने वाला। और लीवर के ऊपर ये इतनी टॉक्सिक है कि आप सोच नहीं सकते। कोई भी ऐसा ड्रग, इवन डायनाबॉल ले लो आप, कोई भी ले लो, कोई भी ड्रग इतनी टॉक्सिक नहीं है लीवर पे जितनी एनाड्रॉल है। ये पूरी तरह से लीवर के एंजाइम्स को मार देती है। स्टिल अगर आप सोच रहे हैं कि इसको यूज़ करें, तो फिर आपके लिए तो एक और वीडियो बनता है, आपको बताते हैं कि ऑन साइकिल लीवर कैसे कंट्रोल किया जाता है, ऐसा क्या दिया जाता है लीवर को कि लोगों के लीवर इतना स्टेरॉइड चलाने के बाद भी ठीक रह जाते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, अगले वीडियो में बात करेंगे लीवर के ऊपर, कैसे स्टेरॉइड साइकिल पर लीवर को ठीक रखते हैं। सो गाइस, ये था वीडियो एनाड्रॉल के ऊपर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप मेरे को पूछते हो कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं सबके आंसर नहीं दे पाता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्टिल अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे नीचे डाल दूंगा, आप आके फॉलो कीजिए और वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं दे पाता हूँ। उसके अलावा आपको पता है एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है, इनकमिंग 2 or 3 days एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो कुछ समय के बाद देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का URL पड़ा होगा, जाके डाउनलोड कीजिए और एंजॉय करिए अपनी फिटनेस जर्नी विद टीम हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।